अच्छा, खांसी से अगर किसी का वुजू बार बार जाता हो तो बेहतर ये है कि नमाज से पहले जो है वो कपड़ों के अंदर, जैसे कि बताया गया है कतरे वाली वीडियो के अंदर, कि कोई कपड़ा या ऐसा कोई चीज़ जो है ना पैंट के अंदर वो रख लें, कि जब नमाज़ पढ़ें तो पैंट में से उसको कपड़े को जो है वो निकाल दें, निकालने के बाद फिर अपने वुजू करें, वुजू करने के बाद जो है वो नमाज़ पढ़ें। लेकिन ये कि कपड़ा रखने से फ़ायदा ये होगा, जैसे काम वगैरह पर हैं, दूसरा कपड़ा आपके पास मौजूद नहीं है, तो वो आगे रुमाल रखने से या कोई ऐसा कपड़ा रखने से अगर पेशाब के कतरे निकलते हैं खांसी की वजह से, तो फिर वो रुमाल ही ख़राब होगा और ऑफिस में या काम पे जो है वो पैंट वगैरह की दूसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये कि नमाज के दौरान ऐसा होता है कतरे निकलते हैं, तो फिर वो नमाज जो है ना वो टूट जाएगी। लेकिन इस तरीके से यानी कपड़ा रखने से कपड़े जो है वो सेफ रहेंगे, वो कपड़े नापाक नहीं होंगे, बार बार उसे बदलने की दिक्कत नहीं।